नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरहा के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके साथ सामान्य ज्ञान दर्पण जून 2021 का जो बुक है दोस्तों, उसी से आपको मैं सारभूत तत्व को उसका पाठ संख्या 2 को लेके आया हूँ। और एक चीज़ बता दोस्तों, इससे पहले आपके साथ मैं कुछ वीडियो ऑलरेडी अपडेट दे रखा है, जो लोग नहीं देखे हैं आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, पीडीएफ के लिए आपको मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक वीडियो उसके लिए आपको मैं स्पेशल बना रखा है, देख लीजिए उसमें सारी जानकारी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो आपका वीडियो होगा वो सारभूत तत्व कोष का पार्ट 2 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो आपका दिया गया है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित, चलिए इसको कवर करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, एक थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? कोयले की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा पिंड जिसके अवयव कण की अवस्था में भी अपनी सापेक्ष स्थिति बनाए रखते हैं, अर्थात कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं होता है, कहलाता है दृढ़ पिंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह समीपवर्ती परतों की सापेक्ष गति का विरोध करता है कहलाता है श्यानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का सौरमंडलीय मॉडल किसने प्रतिपादित किया? ये क्या आपको 1913 में नील्स बोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? इंसुलिन। आंसर है आपका इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगता बीमारी अधिक ऊंचाई पर होती है, इसका कारण क्या है? आंसर है आपका ऑक्सीजन की निम्न आंशिक दबाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ठोस माध्यम में कोई द्रव परिक्षिप्त हो तो प्राप्त कोलाइडी बिलियन को कहते हैं, क्या कहते हैं जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? हो जाएगा आईरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया में लैंगिक जनन के दौरान किस चीज का रूपांतरण होता है? डीएनए तंतु का एक टुकड़ा। नेक्स्ट जो आपका अपडेट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित, चलिए इसे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 81 नंबर, बुद्धि का त्रियामी मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना का शिक्षा में क्या स्थान है? सृजनात्मक में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हो जाएगा अल्फ्रेड बीने। आंसर क्या है? अल्फ्रेड बीने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 नंबर, बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आंसर है आपका सीजर लामब्रोसो। क्या आंसर है दोस्तों? सीजर लामब्रोसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर, मौलिकता का गुण पाया जाता है किसके लिए? आंसर है आपका सृजनशील बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व की मापन नहीं होते हैं? आंसर है आपका तार्किकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 87 नंबर, कौशलात्मक अधिगम के लिए प्रयुक्त आवश्यकता होती है शारीरिक विकास की,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता सीखता है किशोरावस्था में। भाषाई क्रियाओं को बालक सर्वप्रथम सीखता है परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक सी होती है, यह कथन है किसका है, भाटिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कृषि से संबंधित, लाल क्रांति का संबंध किससे है, टमाटर उत्पादन से। मटर में मार्स रोग क्या कारण है, मैग्नीज की कमी के कारण मार्स रोग होता है। सबसे पुराना फल कौन सा है, खजूर। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला कौन देश था, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या होती है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का वानस्पतिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टिशू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, टिशू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को धान का डलिया कहा जाता है। विश्व में बांस के उत्पादन में भारत कौन सा स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर, बांस में द्वितीय स्थान पर भारत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका खेल से संबंधित, 101 नंबर, कौन से अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है, थॉमस कप बैडमिंटन में दिया जाता है। फ्री थ्रो किस खेल में दिया जाता है, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है। शब्द आयरन किस खेल से जुड़ा हुआ है, आयरन शब्द का संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट किस देश में खेला गया था, इंग्लैंड में। कहाँ खेला गया था, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुजा ठाकुर कौन से खेल की खिलाड़ी है, बिलियर्ड्स। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में किस खेल में बैल बाकर कप दिया जाता है, बैल बाकर कप मुक्केबाजी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयंत तालुकदार कौन से खेल से संबंधित हैं, तीरंदाजी। किस खेल से, तीरंदाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108 नंबर, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तैराकी। एसेज क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान अवस्थित है, पटियाला। आगे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित, चलिए इसको भी कवर करता हूँ। 111 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है, अनाधिकृत आक्रमण से बचाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं, हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMPS का विस्तारण है, आंसर है आपका स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करे अन्य लोगों के कंप्यूटर तक पहुंच जानकारी हासिल करने के लिए अवैध रूप से
या पैदा करने के लिए क्षति है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हैकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, हो जाएगा कोलकाता, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है, यह है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, बग होता है एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना इनपुट करने का सबसे पुराना माध्यम है, पंच कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के ऐसे घटक होते हैं जो कार्य करने के लिए आवश्यक हैं, क्या हो जाएगा, रिसोर्स। आगे जो आपका दिया गया है विविध से संबंधित क्वेश्चन, चलिए इसको भी कंप्लीट करता हूँ। क्वेश्चन आपका 121 नंबर कहता है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। पूर्ण जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, था मानववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है, अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाटिल द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, 15 अधिकरणों में। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को, इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे, तबला वादक। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहां लागू हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, आंसर है आपका डी टी लक्कड़वाला को दिया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और एक चीज़ बता दोस्तों, यदि मेरे चैनल नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो कुछ भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों और एक चीज़ बता दो, PDF के लिए तो आपको मैं पहले ही बता दिया कि PDF के लिए आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, उसमें सारी जानकारी दिया गया है और ये भी बताया गया है कि कहाँ आपको पहले अपडेट मिलेगा, सारी जानकारी उसमें दिया गया है। और एक चीज़ बता दोस्तों, यदि कोई क्वेश्चन आपको मिस लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको मैं डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन में जानकारी दे दूँगा, क्वेश्चन क्या सही है क्या गलत है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिस इसके बावजूद भी आपको मैं नहीं बता पाया, इसके लिए सॉरी। लेकिन आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ये पार्ट आपका दूसरा है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का एक मास्टर वीडियो के अंतर्गत आपको मैं एक वीडियो एक देख करके दे दूंगा, जिसमें कि सारी जानकारी एक जगह मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।